हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक पनीर रेसिपी। और ये पनीर जो है मैंने रखा हुआ था, राजीव ने लाया था मलाई पनीर, जो काफ़ी टेस्टी होता है। तो आज मैं आपके साथ पालक पनीर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने पालक भी रखा हुआ है और दो आलू मैंने काट के साफ़ करके, मीडियम आलू था, साफ़ करके धो के रखा हुआ है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया है। जैसे ही थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाता है, तो जितना भी आलू मैंने काट के रखा हुआ है, सारा आलू मैं इसमें दे दे रही हूँ इस तरह से। और उसको थोड़ी देर में स्टीर करती रहूँगी जब तक ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। तो हल्के जो आँच में है ना, मैं हल्के आँच में पका रही हूँ इसे। ये देखिए, ये पक चुका है जितना मुझे पकाना था। तो ये ना 2 to 3 मिनट्स में ही पक जाता है, क्योंकि मुझे पूरा एकदम से भी नहीं पकाना है, हल्का सा ब्राउन कलर करना है। तो ये देखिए, ये हो चुका है। तो सारा मैं इसे एक थाली में रख दे रही हूँ। अब चलिए ये जो पनीर है ना, इसको मैं खोलती हूँ। और इसमें ये देखिए पानी नहीं है, नहीं तो अगर कंटेनर के लेके आते हो ना, तो उसमें तो पानी होता है। तो सारा पानी भी मैं कड़ी में दे देती हूँ, पर आज का जो है ये ड्राई है क्योंकि पैकेट में था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वही तेल में ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसे। वैसे फ्राई नहीं करने से भी होता है, पर हमारे घर में जो है ना, थोड़ा सा पनीर का जो कच्चा वाला जो स्मेल आता है ना, वो पसंद नहीं है। तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा स्लाइड जो इसका जो स्मेल है वो चला जाए, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा पका रही हूँ। 1-2 मिनट के लिए सिर्फ, बस इतना ही काफ़ी है। तो इसे सारा मैं उतार दे रही हूँ। अभी एक साथ रख रही हूँ एक ही थाली में आलू के साथ। तो इस तरह से मैंने सारा पका लिया है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब मैं क्या करूँगी, पालक को रेडी करना है। तो चलिए, पालक को मैंने धो के, सबसे पहले मैंने साफ़ किया, धोया, उसके बाद इस तरह से काट के ना मैं अब इसे ग्राइंड करने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे ग्राइंड करना बहुत ईजी है, एकदम एक बार में हो जाता है। तो सारा जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। तो ग्राइंड एक बार पड़ी हो गया है, ये बहुत इजीली हो जाता है। और क्वांटिटी देखिए कितना कम हो गया है ना, देखने में साग इतना ज़्यादा लग रहा था पर एकदम सा कम हो गया है। अब चलिए चलते हैं फिर से रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है कढ़ाई, इसमें मैंने और थोड़ा सा तेल दे दिया है क्योंकि तेल कम हो गया था। तो जितना मुझे कढ़ी बनाना है उस हिसाब से मैंने तेल दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 5 फ़ोरन और 2 जो ड्राई रेड चिली है ना, वो मैंने दे दिया है। इससे मैं अभी थोड़ी देर पकाऊँगी। जैसे ही ये पक जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर जो जितना भी मैंने पालक जो ग्राइंड करके रखा हुआ है ना, सारा इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए पक चुका है। अब मैं इसमें सारा जो है दे दिया है, सारा मैंने पालक का ग्राइंड करने वाला सारा मैंने दे दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना नमक दे दिया है, थोड़ा सा हल्दी, वो तो आपको मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती क्योंकि वो आपके क्वांटिटी जो आप बना रहे हो ना, उसके हिसाब से ही होगा। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसे धीरे धीरे स्टीर करूँगी, इस तरह से स्टीर करते रहूँगी जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, आप देख रहे हो स्वाति रज का लाइफस्टाइल। मैं हूँ स्वाति, हर टाइप की वीडियो लेके आती रहती हूँ। पसंद आता है ना वीडियो, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही थोड़ा सा ढक के मैंने रख दिया था, फिर वो वीडियो थोड़ा सा कट गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि ऑफ हो गया था। तो इस तरह से पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सारा जो है आलू पका के जो रखा हुआ है मैंने, वो सारा फ्राई करके जो रखा हुआ है, सारा मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से सारा डाल दूँगी। तो आपको कैसा लगा, आप किस तरह से बनाते हो ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए मेरे साथ, कमेंट कीजिए, मुझे टैग कीजिए अगर आप इसी तरह से बनाते हो तो। और सारा पनीर भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ढक के रख दूँ, 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए तो दोस्तों, ये देखिए 15 मिनट्स के बाद ये हो चुका थिक एंड रेडी, बहुत यमी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।